हाय फ्रेंड्स, मैं हम सुधिया है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ गोलमाला गेम के 17 दिनों के कलेक्शंस के अर्ली अपडेट्स के बारे में, जहाँ कलेक्शंस बहुत ही बढ़िया हुए हैं 17वें दिन यानी कि थर्ड वीक के संडे को। और कलेक्शन जान के आप जरूर शॉक हो जाओगे। सबसे पहले आपको बता दूं, 16 दिनों का कलेक्शन जो था 188.66 करोड़ के आसपास था, यानी कि 188 करोड़ के ऊपर इस फिल्म ने कमा लिया था। और कहीं ना कहीं कल का कलेक्शन आया है 4.50 करोड़, ये बताया जा रहा है अब। यानी कि कलेक्शन अगर 4.50 करोड़ बताया जा रहा है, तो आप अगर आप देखो तो 188.66 करोड़, यानी कि उसमें से और 50 लेग आप ऐड कर लो तो 189 करोड़ होता है, और 4 करोड़ और जोड़ लो तो 193 करोड़ होता है। यानी कि इस फिल्म ने 193 करोड़ 17 दिनों में कमा लिए है। यानी कि आने वाले जो 4 दिन है, अगर इन 4 दिनों में ये फिल्म 7 करोड़ कमाने में कामयाब होती है तो ये 200 करोड़ कमा लेगी, या तो फिर इसे फोर्थ वीकेंड का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन ये श्योरिटी है कि ये फिल्म कमा लेगी कितना, 200 करोड़ के पार। और ये फिल्म जिस तरह से अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है, उससे सभी लोग शॉक है, खास करके जो एग्जीबिटर्स है जिन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये फिल्म इतनी बढ़िया चलेगी, थिएटर्स में इतने ज्यादा लोग आएंगे इस वक्त भी यानी थर्ड वीक में भी, वो सब शॉक है। क्योंकि अगर मैं कलेक्शन आपको 4.50 करोड़ कह रहा हूँ, यानी कि ऑडियंस बहुत ज्यादा आई है, क्योंकि थर्ड वीक में जहां तक है स्क्रीन काउंट और भी ज्यादा कम हो गए। इत्तेफाक को काफी स्क्रीन काउंट मिल गए हैं, और कहीं ना कहीं काफी स्क्रीन काउंट मिल गए हैं हॉलीवुड फिल्म थॉर रैग्नारोक को। तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से भी गोलमाल अगेन अच्छी और बेहतर कमाई कर रही है। इसकी ऑक्यूपेंसी पता ही चल रही है, तो वो माफी चाहता हूँ मैं। अदरवाइज जिस हिसाब से कलेक्शन हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 40 से 50% ऑक्यूपेंसी जरूर हो रही है इस फिल्म की। तो कितने खुश है आप कलेक्शन जानकर, जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए फिलहाल कितना ही।